निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी काफी टाइम हो चुका, 6 बज गए और अभी भी यहाँ बहुत बाकी है। कम से कम अभी हमने बस 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पार की है और कुछ लोगों को तो लग रहा था कि हमने 4 या 5 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर दी, बट ऐसा नहीं है भाई। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उनको लगेगा वो 4-5 किलोमीटर हो गया, बट ऐसा नहीं है, 1 या 2 किलोमीटर ही पार होगा। तो गाइस हमने अभी अपनी यात्रा का दूसरा देख ले लिया और अब एनर्जी ड्रिंक लगाएंगे जिसकी वजह से हमें पावर आया और हम फटाफट चढ़ते जाए। तो स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। अभी टाइम हो चुका 7:30 बजे और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कम से कम 1 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि सभी लोग यार काफी थक चुके हैं, बहुत ही आराम आराम कर करके चल रहे हैं, तो वजह से बहुत टाइम लग सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आगे बने रहना वीडियो में कंटिन्यू। सो गाइस बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो रात में आपको दिखेगी तो नहीं बट ये पानी भी देख लो यहाँ से आ रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, क्या ही बोले, इतनी तेज बारिश हो रही है कि कुछ बोल नहीं सकते। हाँ हाँ काल बच्चा है पूरे पूरे ब्रह्मांड में इतनी तेज बारिश हो रही है, सच में बहुत ही तेज बारिश हो रही है भाई। हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर कवर कर लिया और अभी हम पहुंच गए हैं जहां पर दो मार्ग दिखा रहा है, एक हिंकोटी का, दूसरा कौन सा हिंकोटी, कौन सी अर्धकुआरी, अर्धकुआरी का। तो हम हिंकोटी का मार्ग चलेंगे जो कि 5.5 किलोमीटर का है एंड भूख सी लग रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं खाने पीने का इंतजाम करते हैं कुछ मिलता है तो। और यहाँ पे अपना थोड़ी थोड़ी ठंड लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि हम पहाड़ के बहुत ऊपर भी आ गए और बारिश भी हो चुकी है कुछ जोर से, तो हवा भी चलने लगी है, उसकी वजह से काफी ठंड लग रही है। अपना खाना आ गया और काफी जोर से भूख लग रही है तो मैं खाना खा के लिए मिलता हूँ आपको। अंदर बैठे थे तो सच में यार गर्मी सी लग रही थी, बाहर आके यार बहुत ठंड लग रही है। जय माता दी, जय माता दी। तो चलो गाइस खाना खा पी के हो चुका है और चलो चलते मंदिर की तरफ और जोर से बोलो जय माता दी, हौसले के साथ बोलो जय माता दी, भरोसे के साथ बोलो जय माता दी, और कोई शब्द चाहिए नहीं क्योंकि जो भी है वो है जय माता दी। गाइस बस फाइनली पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है बस, बहुत ही एक्साइटेड है, बस पहुंचने वाले हैं और मैं बस यहां से ये छोटा सा रास्ता बाकी, बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए मंदिर पे। और मैंने बताया ही था कि हम 12 या 1 बजे के समथिंग पहुंचेंगे और 1 बज रहे भाई और मैंने देखा एकदम सच बोला था। अभी हम यहाँ कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट करेंगे क्योंकि घर वालों की जो हालत है थोड़ी सी टाइट हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे आराम से, फिर आगे की तरफ जाएंगे। एंड हमारा जो सामान वामान है हम किसी लॉकर में रखेंगे, एक लॉकर यहाँ पर है, इसमें नहीं प्लान बनाया तो आगे कहीं पर मिलेगा वहाँ पर रखेंगे, बट सामान रखना पड़ेगा एंड उसके बाद हम दर्शन करेंगे मैया जी के आराम से। ये सामान जो है अलाउ नहीं है अंदर मंदिर के, सो हमें ये कहीं ना कहीं पहले रखना पड़ेगा तभी जाना पड़ेगा। अगर आपको इसको लेके चले जाते हो बिना किसी लॉकर में धरे तो आपको ये रिटर्न भरना ही पड़ेगा भाई, तो इसलिए पहले ही घर के जाओ। और सो अभी के लिए अपडेट इतना ही है और आगे मिलता हूँ, चलो बने रहना ब्लॉग में कंटिन्यू। अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दर्शन की वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है और यहाँ पर जो भी है सब सामान लॉकर में रखा जा रहा है, तो मैं फ़ोन भी वहीं पर रख के जाऊँगा और दर्शन करके फिर मैं बताऊँगा आपको तो कैसे रहे दर्शन, तो आता हूँ और मिलता हूँ आपको। ओके सो गाइस फाइनली हमने मैया जी के दर्शन कर लिए और मैया जी के दर्शन करने में काफ़ी मज़ा आया। और हमने स्टार्ट कैसे किया, यहाँ से 2 मार्ग हैं, एक मार्ग जाता है डायरेक्ट गुफा के लिए, मैं तो बोलूँगा कि आप उससे मत जाओ डायरेक्ट, उससे जाओगे तो बेकार ही रहोगे, वहाँ गुफा में जाते हैं बिल्कुल भी नहीं ट्रिक नहीं देते, जाएंगे तुम थोड़े से सर नीचे दबाएंगे ऐसे धक्का मार के भगा देते, सच में मेरा तो वहाँ दिमाग खराब हो गया था। आप दूसरे रूटीन से जाओ उसके साइड जस्ट साइड वाला और उससे जाओगे तो आराम से दर्शन कर सकते हो मैया जी के,
और फिर अब हम निकलने वाले हैं भैरव बाबा के लिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर वैष्णो देवी की यात्रा की अगर भैरव बाबा के लिए नहीं गए तो वो यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती है, सफल नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए ही हम निकलने वाले हैं, और जो हमने अपना सारा सामान है वो लॉकर से निकाल लिया, क्योंकि भैरव बाबा की यात्रा की तरफ ये सब चीज़ अलाव है, इधर अलाव नहीं थी। तो अभी चलते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 12 बज गए होंगे, 12 बज गए, और भैरव बाबा की जो यात्रा है वो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर तक की है, और टाइम भी लग सकता है भाई, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं, जैसे भी हम करनी तो है ये कम्प्लीट शो। जय माता दी बोलते जाओ और मंजिल पार करते जाओ, जय माता दी। ओके सो गाइस, पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के धाम, और मेरे पीछे आ रही है व्यू, देखो यार अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट व्यू लगा है, इतना अमेजिंग कि सच में यार क्या ही बोले। देखो यार एकदम क्या औसम व्यू आ रहा, सच में यार दिल छू गया, आधा आधा दिल छू गया, पूरा पूरा दिल छू गया भाई, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब हमारे कुछ साथी हैं, बढ़िया मिलते हैं और फिर दर्शन करते हैं। हो रहा है भैरव बाबा का धाम स्टार्ट, यहाँ से यात्रा है, और ये मंदिर है, हमको घूम के आना पड़ेगा यहाँ से। तो देख लिया गाइस, हम वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैं सिर्फ दर्शन करके बाहर आऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। दर्शन करके नीचे की तरफ आ गए हैं, और दुकानों पे आके कुछ जरूरतमंद का, जैसे कुछ दिल को भाजा ऐसा सामान ढूंढ रहे हैं, और बहाने वाला मिल गया है, मैंने तो ये पसंद कर लिया है, और भैया जी ने ये बाईस कारण भाई, दोनों एकदम खतरनाक भाई एटीट्यूड, क्या बोलती पब्लिक, मचाएंगे। चलो मिलता हूँ आपको मैं घर पर। ओके सो गाइस, हम माता जी के दर्शन करके अब घर पहुँच गए, और अभी रात के 11 बज रहे हैं, और अब जाके हम अपने घर पहुँचे, मतलब होटल में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ वीडियो का, एंड में यहीं पे कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका भी कभी प्लान बनता है वैष्णो देवी आने का तो मैं तो कहूँगा कि आ जाओ, और बाकी तो मैंने बता दिया है कैसा हाल है, कैसी फैसिलिटी है, और कैसा कैसा रोड रूटेड है। सो आप भी आना अगर आपका प्लान बने तो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।